नौजिया सा हो रहा है एंड आई एम काइंड ऑफ वेरी लो. मुबारक हो आपको पहला ऑर्डर और मेरी फेवरेट चादर का आया ना ये वाली. भाई इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताती हूँ. उमर ने अपना बेडिंग का काम शुरू किया है जिसका एक सैंपल मैंने आपको दिखाया है ये वाला. तो उमर किस नाम से? इट्स बाय द नेम ऑफ द ऑर्किड होम्स. द ऑर्किड होम्स इंस्टाग्राम पे ये पेज है. होम्स का है द ऑर्किड होम्स गाइस. ये है. ये है जी द ऑर्किड होम्स एंड इट्स जस्ट द बिगिनिंग. कितने फॉलोअर्स हो गए? 6,500 हो गए, 10,000 हो जाएंगे. हाँ, कल स्टार्ट हुआ है तो आज माशाल्लाह वेरी गुड रिस्पांस एंड ऑल द बेस्ट. आज से ऑर्डर्स भी आना शुरू हो गए. वेरी गुड. आज जी मैं वापस जा रही हूँ एंड दिल तो बहुत था कि एक्सटेंड कर लेते. नहीं, थोड़ी ब्राउन शुगर डाल दो. लेकिन नॉट पॉसिबल बिकॉज अभी मैं एक तो वहाँ रही नहीं हूँ और दूसरा टुडे इज़ आर एनिवर्सरी सो आई हैव टू टेक एवरीवन फॉर डिनर. तो हम पूरा ग्रुप बना के तलत जकी भाई गज़ाला भाभी असलम भाई गज़ाला भाभी ताहिर भाई मैं 10 बजे उठ जाऊंगी. शगुफ्ता भाभी असलम भाई सब जाएंगे. राशिद कोई ना उठा हुआ तो मैंने मेरी बात सुनो. मेरे जहन में था कि 11 बजे निकलना है. तो 11:30 हो गए अब तो आप अभी भी नहीं. मेरे 10:30 निकलना है इसलिए मैंने जब टाइम देखा मैंने कहा तो 12 बजे पहुंचना है. अंडे भी बन रहे हैं तो बन जाए. वो 10 मिनट का रास्ता है. F10 में जी जनाब. आज मैं जब से सुबह से उठी हूँ मेरी तबीयत इतनी ख़राब है. मुझे डायरिया हो रहा है, बहुत नौजिया सा हो रहा है and I'm kind of very low and sick. तो आज मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर नादा के साथ. थोड़ा लिफ्टिंग ट्रीटमेंट कराऊं बिकॉज आई फील लाइक ये लाइन्स और ये उनसे कंसल्ट करती हूँ कि थोड़ा सा इतना के नेचुरल बहुत ओवर ना लगे, बहुत प्लास्टिक फेस ना लगे. तो मैं चाह रही थी मैं कराऊं. तो अभी मैं उनके क्लिनिक आई हूँ इस्लामाबाद में डॉक्टर नादा हसन. तो लेट्स सी वो क्या करती हैं. अभी वी आर वेटिंग फॉर हर. वो इस तरह से है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पिट्रस पोरम फोलिकुलाइटिस व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द बियर्ड. सो आई सी दिस डॉक्टर गिव मी दीस मेडिसिंस इट वाज डॉक्सी एक्सल आई पुट यूज टू पुट माय फेस इन हाइड्रोजोल ऑन द लिप्स बिकॉज बहुत ज़्यादा चैप हो जाते हैं अनयूजुअली. आई एम वेरी हाइड्रेटेड. आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. तो ये डिड दैट नॉट वर्क? इट डिड वर्क बट इट वेंट बैक टू दिस अगेन. ओके सो चलिए वो तो आपने कर दिया. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यही मेडिसिन हम भी देते हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड पिट्रोस्पोरम फोलिकुलाइटिस. इट्स अ फॉर्म ऑफ फंगल इन्फेक्शन मिक्स्ड विद एक्ने सॉर्ट थिंग. तो वो होता है. तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि इंस्टेड ऑफ हम आपको डॉक्सीसाइक्लिन आई थिंक कितना अर्से लिया था आपने? 7 days. And then I took a break for because it was fine then I no, wanted no no you nahi aap bhi pura month le oh acha you yeah, you're a fitness trainer. Yeah. Oh, okay. So you want just a little bit of the wrinkles to go away after the dobara kab aana hai? 40% 1 mahine tak. Theek hai because wo phir ek retouch bhi kabhi kabhi chahiye hota hai sometimes. Acha Dr. Nada bataye YouTube ke subscribers ko ki botox kya karta hai. बोटॉक्स बेसिकली एक टॉक्सिन है. बैक्टीरिया होता है एक, उसमें से हम निकालते हैं और वो आपके रिंकल्स को ख़त्म कर देता है. जो आपके 40-50 साल जितने साल के भी रिंकल्स हैं, स्पेशली रिंकल्स जो मूवमेंट पे बनते हैं. ओके, जैसे ये जी जो मूवमेंट के बगैर होते हैं उस पर इफेक्टिव होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं. मूवमेंट के ऊपर जो रिंकल्स हैं उस पर इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव. सो इट हार्डली टेक्स अ मिनट. Yeah. Or the specific muscles that we put the Botox into, har muscle mein nahi kar sakte, and
so you need to make sure that you're going to the right person for this. Yes. लेकिन जो भी side effects इसके होते हैं और जो हल्के मोटे वो तब होते हैं जब सही injection technique use नहीं की जाती. They are very temporary. कोई permanent side effect इसका नहीं है. Okay. So miraculously within 2 weeks, you're 10 to 15 years younger. So अगली video में आप देखिएगा मुझे जरा. सो आइडियली ये जो है ये फोरहेड पे और क्रॉसफिट पे भी करते हैं आपके नेज़ल लेबियल्स पे भी करते हैं वी डू दैट फॉर चिन एनहांसमेंट माइक्रो बोटॉक्स आपके नेक पे करते हैं नेक लाइंस के लिए करते हैं टू गिव यू दैट फेसलिफ्ट वी डोंट डू इट ऑन द सेंटर ऑफ द फेस सेंटर ऑफ द फेस पे वी डू इट इन द स्किन जैसे आपका रोजेशिया होता है कंडीशन या इट्स लाइक बहुत रेडनेस जैसे हो जाती है आपके फेस पे जैसे कंडीशन में दाने निकलते हैं रेडनेस उसमें हेल्प होता है अच्छा आपके हाथों पाँव पे बहुत पसीना आता हो या बगलों में आता हो उसके लिए भी उसके लिए दिस इज वेरी गुड फॉर 9 months यू विल नॉट बी स्वेटिंग और फेस के ऊपर ये बिटवीन 5 to 6 months इसका असर रहता है 5 to 6 months हाँ इसका असर कितने अभी जैसे मैं करा रही हूँ तो फॉरन अभी नहीं अब विद इन कल से आना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से एंड देन इट्स गोइंग टू टेक अ वीक में 90% रिजल्ट है एंड विद इन 2 weeks हो जाता है 100% होता है बट देन इट रियली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ बोटॉक्स दैट यू वांट अ लॉट ऑफ द टाइम्स हम बहुत माइल्ड सा करते हैं वी डोंट वांट अ वेरी फ्रोजन एक्सप्रेशन बहुत सारे लोग का अ लॉट ऑफ पीपल वांट अ फ्रोजन एक्सप्रेशन सम पीपल वांट इट नेचुरल तो वो फिर डोज अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द रिंकल्स एंड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट यू वांट हम उसको एडजस्ट करते हैं ओके मेरी ये जो फ्राउनिंग है ना ये मुझे 40% चाहिए फॉर एक्टिंग ओके ठीक है बट ये जो लाइनें है ना ये मुझे थोड़ा वो करती हैं और ये मुझे ड्रॉप नहीं चाहिए ओके राइट सो बिकॉज हम थोड़ी सी लो डोज यूज करेंगे ताकि वो आपका टोटल इफेक्ट ना खत्म हो रिंकल सारे खत्म ना हो तो द रिजल्ट थोड़ा सा लेस अरसे के लिए रहेगा बिकॉज वी आर गिविंग यू अ लो डोज ओके सो नॉट 6 months मे बी लाइक 4 ओके ठीक है ओके Take a minute. Does it hurt? Just a smile, a mild prick. I think your mom's pretty good with the pain. Yeah, pain. Sorry. No. Smile, please. especially for actors, we have to be very careful, na? Like, there's something called a Botox lip flap. यहाँ पे जो लाइंस होती हैं उसके लिए या टू मेक द अपर लिप लुक मोर प्रोमिनेंट वो हम करते हैं उससे फिर वो वी लेट द एक्टर्स नो दैट स्पीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है शुरू में अच्छा हल्की सी हेडेक्स भी होती हैं 2-3 days समटाइम्स अ वीक माइल्ड हेडेक्स यू कैन टेक पैनाडोल फॉर दैट ठीक है अच्छा ये छोटे छोटे बम्प्स बनेंगे आपके यू नीड टू They're going to go away. Oh, there's a bit of a bruise here. Halka sa ban gaya. Sorry for coming out with makeup. Okay. It's also going to get dark. Okay. Main aapko bata do. Okay. Okay. Sometimes skin niche ek aa jata hota hai. Okay, we're going in with fine injections. So halka sa bruise bhi ban sakta hai. Not an issue. Gets better within 6-7 days on its own. Can you do this again? कितना दर्द हो रहा है वैसे यूट्यूब व्यूअर को पेन भी बता दें कितना होता है मतलब इट डिपेंड्स कि आपका पेन थ्रेशोल्ड कितना है क्या है तो मेरे लिए इट्स बेरेबल इट इज जनरली बेरेबल ओके सो आई एम गिविंग यू लाइक अ स्मॉलर डोज ऑन दिस आई कैन डू दिस Okay, there's a bit of a bruise here, which is normal. It does happen. It's going to get a bit blue. Okay. Done. Acha. Now,
नाउ बस दैट्स द चार घंटे के लिए आपने सजदे में नहीं जाना, रुकू में नहीं जाना, आपने वुजू नहीं करना, यू नॉट सपोज टू टेक अ शावर, वॉश योर फेस, रब इट, मसाज इट, ठीक है. इसके अलावा बस इसको टच नहीं करना है एरिया को, बिकॉज वी पुट द टॉक्सिन बोटॉक्स इन अ स्पेसिफिक प्लेस. हम वहाँ से ये नहीं चाहते कि कहीं और जाए. ये जो बम्स आपको नजर आ रहे हैं, दे गोइंग टू गो अवे विद इन 4 आवर्स देमसेल्व्स एंड इट्स गोइंग टू स्टार्ट किकिंग इन within 6 hours and you'll start to see the results after 24 hours. Okay, to isko conceal kar sakte hain because I'm traveling. Abhi halka sa make sure ki wo na ho. Rub na ho, halka sa aap uske pe yun karke wo kuch laga. Ji janab abhi apna wo करा के ट्रीटमेंट. तो हम लोग अभी आए हैं सेंटोरस, यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए मसाज चेयर दो तीन जगहों से कंपेयर की है अपने हस्बैंड के लिए. या खामंद मेरे उनके लिए आपके डैडी के लिए. तो बस अभी डिसाइड करते हैं और उनसे कराची में डिलीवर कराती हूँ. आई होप ही लाइक्स इट क्योंकि मुझे लग रहा है कि मसाज अच्छी है. तो आई थिंक वो बनी कौन सी पैसे दे के कराने. अच्छा तो बस होपफुली फिर मेरी फ़्लाइट है, यहाँ से हम लोग एयरपोर्ट चलेंगे. अभी 1:30 बजे हमें कितने बजे पहुँचना है एयरपोर्ट? हम यहाँ से 2 बजे निकल जाएँ तो दैट्स ओके. हाँ हाँ तो बस अभी बहुत टाइम, तब तक इंशाल्लाह चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी. चलें जी हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं. आई एम फीलिंग सो लो, जा रही हूँ. आई थिंक आज का हमारा एनिवर्सरी डिनर मुझे कैंसिल कराना पड़ेगा क्योंकि मेरे पेट की हालत ऐसी बिल्कुल नहीं है कि मैं बाहर का कुछ भी खा सकूँ. तो बस आई एम बीइंग वेरी केयरफुल कि मैं अपने हाथ फेस पे कहीं पे हाथ वाथ ना लगाऊं, कोई रगड़ ना लग जाए. 4 आवर्स जिसमें से 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे रह गए हैं, तो बल्कि 1.5 हो गया 2.5, तो वहाँ पहुँचने तक 4 घंटे हो जाएंगे मेरे. एंड दैट्स इट, ये मेरे बच्चे मुझे छोड़ने आए हैं. आपको किडनेप कर लेते हैं, फ़ोन शोन बंद करते हैं. डैडी परेशान हो जाएंगे. डैडी को बोलेगा वो वेदर ख़राब तो लाहौर में लैंड करेंगे. उन्होंने क्या बताया, वो कंफर्म करेंगे लाहौर से मैं आऊँगी परसों कराची. नहीं नहीं वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अभी तक तो वो कह रहे हैं कि आप आई हैं और बड़े लोग हैं, आते ही चली गई हैं. तो बहरहाल चलें, अब मैं 1-2 दिन तो मेरे फ्री हैं, फिर बुलबुले की शूट शुरू हो जाएगी. तो चलें जी खैर आफियत से पहुँच के इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़, फी अमानल्लाह. डॉक्टर नादा इस्लामाबाद में होती हैं, तो इनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी. आप अगर चाहें जो इस्लामाबाद में हैं, दे कैन गो पे अ विज़िट और अच्छी तरह से जो जो क्वेरीज़ हैं, जो जो उनके डाउट्स हैं, वो उनसे पूछें, क्लियर करें. एंड शी हैज़ अ वेरी सॉफ्ट एंड जेंटल हैंड. और बाकी ये है कि इट्स योर चॉइस, कुछ लोग कराना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं कराना चाहते. जी जनाब, दिस इज़ माय फेस आफ्टर 3 डेज एंड ये ब्रूज भी काफ़ी बेहतर हो गया है. एंड यू सी ये लाइंस कम हो गए हैं, ये वाली क्लियर हो गई हैं एंड ये भी कम हो गई हैं. सो I didn't want a frozen expression. I wanted to frown acting me and lift my eyebrows and go sad and all. So isliye I told her I want 40% erase and 60% expressions. So I think thoda reverse ho gaya, abhi to aur zyada ye hoga. But ye hai ki ye line jo hai ye bhi abhi disappear ho jayengi kuch din mein. But this is how it is. तो this was the update. बाकी videos में तो आप देखते ही रहेंगे अगली videos में कि क्या क्या change आया है, क्या हो रहा है. I hope you like the video and me being so candid with you. I believe that one should be honest about whatever you do. बहुत लोग करा रहे हैं, कोई बताना चाहता है, कोई नहीं बताना चाहता. This is their personal choice. And I thought this is the 4th time in my entire life that I'm getting this done. And this time I wanted that I should share it with you because मैं बहुत लंबा gap दे देती हूँ, फिर मुझे लगता है कि नहीं, कोई character ऐसा होता है जिसमें मुझे चाहिए होती हैं अपनी lines और मुझे लगता है कि that will add to the character. तो फिर मैं सालों नहीं कराती, उसके बाद फिर दिल जाता है कि चलो अब ज़रा थोड़ा सा इस मूड में हूँ के
हो जाए, तो यू वुड बी एबल टू सी द डिफरेंस, क्योंकि इन तीन दिनों से पहले तक आई हैड नथिंग. तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द. अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें. इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो जल्द मुलाकात होगी. अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे और बेहतरी के फ़ैसले करे हमारे लिए और हमसे राज़ी रहे. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमानुल्लाह.